हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कौन कौन से फार्मास्यूटिकल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम पांच बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे जो आप बिना पैसे के या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट जिसमें चाहिएगी आपको शुरू करने के लिए। जो लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे वो मेरा फेवरेट रहेगा, क्योंकि सारा मेरा बिजनेस जो मैंने स्टार्टिंग किया है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास भी पैसा नहीं था, जो शुरू किया है वो उसी के बेसिस पे किया है। आज अच्छा खासा थोड़ा बिजनेस स्टेबल है, अच्छा चल रहा है, तो जो भी है वही टेक्निक है, उसी के थ्रू मैंने किया था शुरू में। और जितने भी बिजनेसेस मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं या तो मेरे से रिलेटेड है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, या आसपास जितने लोग हैं या जितने पर्सन को मैंने उन बिजनेसेस में सक्सेसफुल होते देखा है और बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के वो करते हुए, उनको स्टार्ट करते हुए देखा है, आज वो एक अच्छी अमाउंट कमाते हैं, मंथली कमाते हैं, उनका एक बिजनेस स्टेबल है। लेकिन उन्होंने जो शुरू किया है, उस टाइम उनके पास पैसा नहीं था, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया है, आज एक अच्छे लेवल पे वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, स्टेबल करते हैं। तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो सिर्फ थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल नहीं है, सारे बिजनेस वो प्रैक्टिकल रहेंगे। जब भी हम फार्मास्यूटिकल बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं, तो मोस्टली हमारे माइंड में यही आता है कि हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू कर लेते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू कर लेते हैं, हम रिटेल शुरू कर लेते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बिजनेसिस होते हैं, इनमें हमें एक अच्छी अमाउंट के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, एक अच्छा पैसा चाहिए हमें ये बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन कुछ बिजनेसिस ऐसे होते हैं फार्मा में जो कन्वेंशनल बिजनेस नहीं होते, थोड़े अनकन्वेंशनल बिजनेस होते हैं, थोड़े से आपके नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में क्या सीखा है अपनी जॉब पे, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप वो बिजनेस बिना पैसे के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ बिजनेसिस की इस वीडियो में हम बात करेंगे, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी बिजनेस की। कंसल्टेंसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां आप डे वन से पैसे कमा सकते हो। आपने किसी क्लाइंट के साथ कंसल्टेंसी का एग्रीमेंट किया और फर्स्ट डे आप उसकी अपनी फीस का कुछ पार्ट उससे ले सकते हैं, और इसमें ना तो आपको ऑफिस चाहिएगा, ना किसी प्रकार का लाइसेंसिंग चाहिएगा। ये प्योरली आपके एक्सपीरियंस पे, आपके नॉलेज पे, जो आपने अपने थ्रू आउट अपने कैरियर सीखा है, उस पर डिपेंड करेगा। आप कितने मास्टर हो अपनी लाइन में, कितना कुछ जानते हैं, वो आपके कंसल्टेंसी बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आप इसको ग्रो कर सकते हो, आप फेमस हो सकते हो अपने सेक्टर में और एक अच्छी अमाउंट ले सकते हो। कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, काफी मतलब कोई लिमिट नहीं है इस सेक्टर में, 5,000 से लेके 2,000 से लेके लाखों रुपए तक की कंसल्टेंसी फीस होती है। एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको कंसल्टेंसी बिजनेस के। जैसे आपको अगर रेगुलेटरी अफेयर्स की नॉलेज है, आपने एक्सपोर्ट में काम किया है, आप अपनी कंपनी के साथ जिसमें अभी काम कर रहे हो वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन सब आप हैंडल करते हो, जो जिस कंपनी में आपकी कंपनी एक्सपोर्ट करती है वहाँ के भी आपको कंप्लीट नॉलेज है। लेकिन सभी छोटी कंपनीज को या मीडियम साइज कंपनी को ये एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती कि कैसे वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो, कैसे वो क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये सभी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप सभी आपको कंप्लीट नॉलेज है इस बारे में, तो आप किसी भी छोटी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं, उनको कंसल्टेंस एज ए कंसल्टेंस उनके साथ जुड़ सकते हैं, और उनको के साथ कंसल्टेंट जुटने के लिए ना तो आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत है, ना ही कोई अलग से सेटअप करने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक विजिटिंग कार्ड्स बनवा लीजिए, एक छोटी सी वेबसाइट बना लीजिए ताकि लोग आपको ऑनलाइन भी सर्च कर सकें। उसी तरह अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करते हो, आप मेंटेनेंस में काम करते हो, आपको फार्मा प्लांट की कंप्लीट नॉलेज है, कैसे बनेगा, कैसे आप मैप बना सकते हो, आपने काफ़ी थ्रू आउट अपने कैरियर काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन की है कि एक छोटे लेवल पे कैसे एक प्लांट शुरू किया जा सकता है, कैसे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, कैसे उसका मैप बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा, सब कुछ नॉलेज किया गया है। तो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती कि जिस तरह का वो प्लांट सेटअप करे, प्लांट को वो बिल्ड करना शुरू करे, वो ड्रग डिपार्टमेंट के, WHO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो भी एक तरह से आप कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आप कंपनीज के साथ एज ए बिजनेस कंसल्टेंट जुड़ सकते हैं, आपको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने का, प्रोडक्ट मैनेजर काम किया है, प्रोडक्ट कंसल्टेंट जुड़ सकते हैं। काफ़ी तरह के कंसल्टेंसी बिजनेस होते हैं जिसके द्वारा आप कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड की नॉलेज है।
आपको अगर सेल्स की नॉलेज है तो सेल्स कंसल्टेंट जुड़ सकते हैं, अगर रेगुलेटरी अफेयर्स की नॉलेज है तो रेगुलेटरी अफेयर्स के कंसल्टेंट जुड़ सकते हैं, आपको मेंटेनेंस की नॉलेज है, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट की नॉलेज है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में कंसल्टेंट जुड़ सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप कंसल्टेंटिंग में जुड़ सकते हो, जिस तरह का आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से। दूसरा जो बिजनेस टाइप हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो साइंटिफिक और मेडिकल राइटिंग से रिलेटेड है। अगर आपको नॉलेज है, हेल्थ इश्यूज की नॉलेज है आपको, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज है आपको, आपको किसी भी तरह के दूसरे क्लिनिकल रिसर्च की नॉलेज है, तो आप ऐसे मेडिकल राइटर कंपनियों के साथ जुड़ सकते हो। उनको जरूरत होती है जब कंपनी विजुअल तैयार कराती है, साइंटिफिक लिटरेचर तैयार कराती है, कोई पब्लिकेशंस होती है जो पब्लिकेशन करती है, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड मैगजीन्स होती है, हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट्स होती है, वहां पे आप एक राइटर की तरह जुड़ सकते हो। आपको अच्छी कोडिंग की नॉलेज है, मेडिकल फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप अपडेट होने चाहिए, मेडिकल जर्नल्स को पढ़ते रहेंगे, अगर आप वहां से नॉलेज गेन करते रहेंगे तो। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको मेडिकल राइटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि उनको अपने विजुअल्स के लिए भी मैटर चाहिए, एक ऐसा मैटर चाहिए जो डॉक्टर्स को कन्वेंस कर सके एक पुराने मॉलिक्यूल से नए मॉलिक्यूल्स पे कन्वर्ज होने के लिए। अगर सपोज करो कि कोई डॉक्टर रेनिटिरिन लिख रहा है तो वो ओमिप्राजोल क्यों लिखे, तो कुछ ऐसी चीजें होती है। मेडिकल राइटिंग एक बहुत स्पेसिफिक और साइंटिफिक फॉर्म होती है जहां पे आपको एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है जो थ्रू आउट आप अपनी जॉब सीखते हैं। अगर आप तो आप किसी भी तरह का मेडिकल राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह होते हैं, कंपनी के ब्लॉगिंग वगैरह होते हैं, बहुत सारी कंपनी अपने आजकल सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड है और कंपनीज काफी आजकल एक्सपेंसिव काफी पैसा भी खर्च कर रही है अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए सोशल मीडिया पे, तो वहां पे भी आप राइटिंग लिख सकते हैं, उनके ब्लॉग लिख सकते हैं, वेबसाइट का मैटर पूरा का पूरा वेबसाइट का मैटर जब लिखने की बात आती है, कंपनी वेबसाइट का मैटर चेंज कर रही है या उनको अपने आप अपने मैटर को अपडेट कराना है, तो वहां पे भी मेडिकल राइटर्स की जरूरत होती है। तो ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आप एक छोटे लेवल से एक पहले अपना चार्ज कम ले सकते हैं, उसके बाद जब आप एक परफेक्ट मेडिकल राइटर बन जाए तो आप अपना चार्जेस बढ़ा भी सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है जो आप बिना पैसे के फार्मास्यूटिकल या मेडिकल या हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही काम करना है आपको, तो आजकल हॉस्पिटल्स है, कॉपरेट हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, हर जगह आजकल कॉन्टेंट मार्केटिंग में बहुत यूज होता है मेडिकल राइटर्स की। कॉन्टेंट मार्केटिंग बहुत बड़ा एक फील्ड बन चुका है, मेडिकल में भी काफी इंक्रीज हो रही है कंटेंट मार्केटिंग का जो स्कोप है, तो आप वहां पे भी एज ए मेडिकल राइटर एक साइंटिफिक राइटर काम कर सकते हैं। जो तीसरे बिजनेस टाइप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है ट्रेनर। ट्रेनर भी अगर आप बनना चाहते हैं, वो एक फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर ट्रेनर आप काम करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। सोच करो आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके बाद आप एरिया सेल्स मैनेजर बने, उसके बाद आप रीजनल सेल्स मैनेजर बने, आपको पता है कि एक डॉक्टर को कैसे कन्वेंस किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, अपने सेल्स टीम के साथ काम किया है, जॉब की है, जब भी आपने एरिया सेल्स मैनेजर किया है, रीजनल सेल्स मैनेजर किया है, जनरल सेल्स मैनेजर किया है, तो आपको पता है कि कैसे मोटिवेट करते हैं सेल्स टीम को। तो आप किसी भी कंपनीज की जो छोटी छोटी कंपनीज हैं या फ्रेंचाइजी कंपनीज है, दो चार मेडिकल रैप रख के काम करती है जो कंपनीज, उनको जब ट्रेनिंग चाहिए होती है मेडिकल रैप की, तो आप एज ए ट्रेनर काम कर सकते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नई नई टेक्निक्स आती रहती है मार्केट में, तो आप उनको ट्रेनिंग कर सकते हो, नई नई मशीनों के बारे में ट्रेन कर सकते हो, नई नई फॉर्मुलेशन के बारे में उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ को ट्रेन कर सकते हो। तो ट्रेनर का भी बहुत बड़ा स्कोप है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और अगर आपको एज ए ट्रेनर काम करना है वहां पे भी वही है, आपको ना तो ऑफिस की जरूरत है ना ही किसी प्रकार के लाइसेंसेज की जरूरत है, आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में पार्ट टाइम कर सकते हो, उसके बाद जब आपका काम अच्छा चलने लग जाए तो आप उसको फुल टाइम कर सकते हो। फोर्थ जो हम बात कर रहे हैं वो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसमें स्पेसिफिकली जो आपको नॉलेज चाहिए वो सेल्स एक्सपीरियंस हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज हो, आपको होलसेल की नॉलेज हो, बेसिकली वही पर्सन फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली काम में आप होते हैं, चाहे हम फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फार्मा फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी की बात करें, कॉस्मेटिक फ्रेंचाइजी की बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल फ्रेंचाइजी की बात करें, तो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती जब आप काम शुरू करना चाहते हो, क्योंकि
क्योंकि मोस्टली कंपनीज की इतनी हाई प्रोफाइल टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, कंपटीशन बहुत ज्यादा है फ्रेंचाइजी मार्केट में, डेली बहुत सारी कंपनियां लॉन्च हो जाती है, इसलिए मंथली टारगेट सेल्स टारगेट वगैरह ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रहे हैं। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ, 5-10 हज़ार का मटेरियल मंगा के आप काम शुरू कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप है आपके मेडिकल लाइन में, अच्छे आपने काम किया है, तो आप जल्दी ही ग्रो कर सकते हो उसमें और एक अच्छा मार्जिन आप स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। शुरू में आप एक कंपनी के साथ कर सकते हो, फिर आप एक दो कंपनी और जोड़ सकते हो साथ में, उसके बाद खुद की मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाएगा उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एक सेटअप हो जाएगा। एक दो फ्रेंचाइजिंग कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, फिर दो तीन आपने और जोड़ लिए, उसके बाद अपने मार्केटिंग प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कर सकते हो सकता है बाद में आपका मूड बने, एक अच्छा सेटअप हो जाए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप आप क्रिएट कर लो, तो मैनुफैक्चरिंग भी लगा सकते हो खुद की। अब लास्ट में बात करते हैं उस बिजनेस टैक्टिक के बारे में जहां से मैंने अपना बिजनेस सेटअप शुरू किया था। एक्चुअली जॉब मैंने काफी टाइम की है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, उसके टाइम टाइम साथ साथ मैंने ब्लॉगिंग का शुरू किया था। एक्चुअली यूट्यूब में तो मैंने बाद में बनाया और बहुत कम यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, बाकी मेनली ब्लॉग राइटिंग से मैंने शुरू किया था और आज भी मेरा जो फर्स्ट इंटरेस्ट है वो ब्लॉग राइटिंग का ही है। जब अगर हम लिखते हैं तो उसको ब्लॉगिंग कहते हैं, जब हम वीडियो बना के कुछ नॉलेज दे रहे हैं तो हम उसको व्लॉग कहते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो नेक्स्ट बिजनेस टाइप की बात कर रहे हैं हम, जो बिल्कुल आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते होते हैं, ब्लॉगिंग या व्लॉग। आप वेबसाइट शुरू करके ब्लॉग शुरू कर सकते हो, आप ब्लॉगर पे फ्री में भी शुरू कर सकते हो, पार्ट टाइम पहले शुरू में आप फ्री में ही कर सकते हो, उसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। अगर आप कस्टम डोमेन पे कर सकते हो करते हो तो फिर भी ब्लॉगर पे शुरू कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे जाना चाहते हो आप तो खुद का डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लेके, जो 3500-4000 के आसपास, 3-4 हज़ार के आसपास आपको वेब होस्टिंग प्लस डोमेन नेम साल का खर्च आता है, वहां से आप शुरू कर सकते हो। बिल्कुल पार्ट टाइम, बिल्कुल एक प्राइवेसी की तरह शुरू कर सकते हो, जॉब के साथ शुरू कर सकते हो, जो जो आपने जॉब में सीखा है, जो जो आप डेली लाइफ में सीखते हो वो सब शेयर कर सकते हो, जैसे हम शेयर करते हैं, जो जो हमारी नॉलेज आज है कल बढ़ती जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा शेयर करते रहेंगे, उसी तरह जितनी हमारी स्टार्टिंग में थी वो हमने शेयर करनी शुरू की। उसके बाद क्वेश्चन आते गए व्यूवर्स के, रीडर्स के, तो उनके आंसर ढूंढते ढूंढते नॉलेज गेन करते रहे, तो उसको हम आगे बढ़ाते गए, उनका आंसर देते रहे, तो इसी तरह उसी तरह आपका ब्लॉगिंग शुरू हो जाता है। अगर आप वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड हो तो हेल्थ इशू के बारे में, या फिर आप जिस भी फील्ड का आपको नॉलेज है, रेगुलेटरी अफेयर्स का, या जिस चीज का आपको नॉलेज है उससे रिलेटेड आप ब्लॉगिंग करिए, उससे रिलेटेड आप वीडियो बनाए। शुरू शुरू में बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग काम लगता है शुरू में, आप एक दो आर्टिकल लिख के उसके बाद आप सोचने लगते हो कि अब क्या लिखा जाए क्या नहीं लिखा जाए, आपको बिल्कुल एकांत में लिखना पड़ता है जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो, आपको वीडियो भी एकांत में बनानी पड़ती है, लेकिन हो सकता है कोई आपका एरिया हो जहां से पीछे से बैकग्राउंड आवाजें आ रही हो, लेकिन फिर भी वो ज्यादा मैटर नहीं करती, आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। शुरू में गलतियां होती है कोई बात नहीं, लेकिन एक लेवल पे जब आप पुरानी गलतियों से सीखते जाओगे तो उसको एक अच्छे लेवल पे लेते जाओगे, तो इस तरह आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपके व्यूवर्स बढ़ते रहेंगे, फिर एक्चुअली गूगल एडसेंस से अच्छा पैसा आ जाता है थोड़े टाइम बाद, आपको मेहनत करनी पड़ती है, 1-2 साल आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो जरूरी नहीं है कि एडसेंस से ही कमाई की जाए, उसके बाद क्वेरी आ जाती है आपके पास जिस चीज पे आपका कंसल्टेशन, एक प्राइम बोर्ड लेके चलिए कि आपको बिजनेस, उसके बाद अगर आप कंसल्टेंसी में भी जाना चाहते हो, कंसल्टेंसी को एक हाई लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो वहां पे भी ब्लॉगिंग, क्योंकि एक्चुअली ब्लॉगिंग बिल्कुल कॉन्टेक्ट मार्केटिंग है एक तरह से, तो यहाँ पे आप एडसेंस से भी कमा सकते हो, यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हो, एक स्मॉल लेवल पे आपको ये काफी सपोर्ट करता है। जब आप जॉब के साथ एक आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाती है, उसको आप इन्वेस्ट करके नए लेवल पे बिजनेस पे ले जा सकते हो, क्योंकि जब हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी तो उसका प्राइम मोटिव कुछ और था, लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ट होता गया, बिजनेस में कन्वर्ट होता गया, उसके बाद हमने अपनी कंपनी लगा ली, आज एक अच्छी लेवल पे स्टेबल है अपनी कंपनी, तो उस तरह वो बढ़ता जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका ब्लॉगिंग बिजनेस या यूट्यूब बिजनेस एक अच्छा फॉलोअर बेस तैयार हो जाएगा आपका। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे आप बिना पैसे के या बहुत कम इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप किसी भी क्वेरी सजेशन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी मेल आईडी farmafranchisehelp@gmail.com पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी और विषय में थोड़ा वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो जरूर बनाएं।